में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से है, जहां लोकमंच के ग्राम प्रधान के खिलाफ खबर चलाने पर क्षेत्र ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि संदीप जायसवाल ने दिया धमकी। कहा विज्ञापन देने पर चलाई जाती है चैनल में खबर। क्या आप जानते हैं आज के समय पत्रकारिता करना कितना जोखिम हो गया है? आपको बताना चाहेंगे कि अगर पत्रकार सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो उसे बार बार धमकियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सहर थाना क्षेत्र के छतेम ग्राम पंचायत की है, जहां कुछ दिन पहले एक खबर ग्राम पंचायत लोकमनपुर के का चलाया गया था, जिसमें ग्राम प्रधान की द्वारा न किए कार्य को लेकर ग्रामीणों द्वारा नाराजगी जताई गई थी। इसमें हमारे विशेष संवाददाता कमलेश भारती ब्यूरो चंदौली के द्वारा इस पर कवरेज की गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा ये खबर पोस्ट करने पर फेसबुक पर टीका टिप्पणी करते हुए संदीप जायसवाल ने दिया उन्हें धमकी। कहा कि हमने आपसे कई बार खबर दिया लेकिन आप खबर नहीं चलाए, जबकि हमारे संवाददाता का कहना है कि कोई भी खबर उनकी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। आप जानते हैं क्या, अगर पत्रकार अगर अपनी मेहनत करता है, क्या उसे मेहनत के तौर पर अगर कोई विज्ञापन का मांग करता है तो क्या गलत करता है? सोचिए, आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे पत्रकारिता के लिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह खबर यूपी के चंदौली जिले से है, जहां बरहानी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोकमनपुर प्रधान के खिलाफ खबर चलाने पर ग्राम पंचायत समेत प्रधान प्रतिनिधि संदीप जायसवाल ने खबरों पर टीका टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रामीण सोचते हैं कि प्रधान जी ही आकर मेरे घर का सफाई करें, ये ग्राम प्रधान क्या क्या करेगा, वोट के समय वोटरों को भी पैसा दे एवं किसी का आपात स्थिति में भी सहायता करें और गाँव एवं लोगों के घर नाली का भी सफाई करें। कुछ नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है, जब सफाई कर्मी नहीं रहते थे तो कैसे सफाई होती थी। 10 पूर्व पत्रकार साहब, आपको पता है कि नहीं सफाई कर्मियों की नियुक्ति कब से शुरू हुई है? और अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य निष्ठा से जीता हूं, आगे भी इसी तरह जनता का आशीर्वाद मिलेगा, आप उसका टेंशन ना लें, हमें टेंशन लेने नहीं देते हैं। और उन्होंने हमारे चैनल पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपको जो विज्ञापन देता है आप उसी का खबर चलाते हैं। प्रधान प्रतिनिधि ने चैनल के एक पत्रकार पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि मैं आपसे मिला हूं और मैं आपको भली भांति जानता हूं, पहचानता हूं और समझता हूं कि आप कैसे पत्रकारिता करते हैं, आपको सफाई देने का जरूरत नहीं है। और इस बात को तुरंत बाद उन्होंने अपना बयान बदलते हुए कहा कि मैं आपसे मिला नहीं हूँ बल्कि मैं आपको किसी दूसरे के जरिए से जानता हूँ। देखिए चंदौली से कमलेश भारती की रिपोर्ट।